तुम जिस चीज़ की तलाश में हो उसके लिए दुआ करते रहो। नामुमकिन और मुमकिन तो सिर्फ तुम्हारे जहन के तसव्वुरात हैं। बेशक अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कीप प्रेइंग फॉर व्हाट इट इज़ यू सी, जो अल्लाह नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के फूड प्लाज़ा। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर की दो मज़ेदार रेसिपीज़। बहुत ही टेस्टी है मटर के पराठे, और इसके साथ सर्व करने के लिए बनाएंगे क्विक एंड ईजी सेवई, और बनाएंगे मटर की खिचड़ी, जो बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ है। तो इन रेसिपीज़ के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ले लेंगे पहले पैन। पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हींग, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 8 से 10 काली मिर्च ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 6 से 7 हरी मिर्च और लहसुन और अदरक को ऐड कर देंगे। 8 से 10 लहसुन है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हरे मटर, और ये 1/2 kg हरे मटर है, 1/2 किलो। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चलाते हुए पकाना है, और इसमें ऐड कर देंगे नमक, और नमक और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दें। फिर ऐड कर देंगे धनिया, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सेमी सॉफ्ट हो जाने देंगे बटाने को, तब तक गला लेंगे। और आटा गूंदना है तो आटे के लिए ले लेंगे 2 कप आटा, गेहूँ का आटा। इसमें ऐड कर देंगे नमक और पानी लेके, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको आटे को गूंद लेंगे, जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह इस आटे को गूंदना है। सेमी सॉफ्ट, ना ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा सॉफ्ट। और इसको अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी या ऑयल, और इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हमने जो मटर बनाए थे वो मटर गल चुके हैं, तो अब इसको ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। थोड़ा थोड़ा ऐड करके ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पानी नहीं ऐड करेंगे, और इसको रफली ग्राउंड कर लेंगे। फिर ले लेंगे 1 लोई, और आटे की लोई ले लेंगे मीडियम साइज़ की, और इसको इसी तरह बीच में फ्लैट कर लेंगे। इसको साइड से बिल्कुल फ्लैट नहीं करेंगे, और इसको बीच में जो मसाला हमने बनाया था उसको राउंड शेप में लेके इसको फिलिंग कर लेंगे, और जिस भी जगह पे आपको बेलना है वो जगह पर थोड़ा सी आटे को डस्ट कर लेंगे, और इसको हल्के हाथों से इसको धीरे धीरे प्रेस कर लेंगे, ताकि हमने जो फिलिंग इसमें भरी थी वो चारों तरफ से इसमें फैल जाए। और फिर एकदम हल्के हाथों से इसको हमें बेलना है, और इसको बीच से थोड़ा बेलेंगे, और उसके बाद थोड़ा बेल लेने के बाद इसको मीडियम साइज़ की एक रोटी बेल लेंगे, और तवा पहले ही गर्म करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको दोनों साइड से जिस तरह हम पराठे या रोटी बनाते हैं उसको सेक लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको सेकेंगे, ताकि थोड़ा रोटी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह सारे पराठे को ऑयल या घी लगा के सेक लेंगे। बस ये पराठे रेडी हैं, देखिए फिलिंग कितनी अच्छी भरी हुई है। तो इस पराठे को सेकने के बाद इसको बना लेंगे, और इसके साथ सर्व करने के लिए बना लेंगे क्विक एंड ईजी सेवई। तो ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी, और इसमें जो भी पसंदीदा आपके ड्राई फ्रूट्स है उसको चॉप करके ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी इलायची ऐड कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। उसके बाद इसमें 100 ग्राम मैंने सेवई ऐड कर दी है, और ये बनारसी सेवई है, आप जो भी पसंद करते हैं वो सेवई ऐड कर दें। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 लीटर दूध, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह पका लेंगे, और इसको एक बॉईल आने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 कप शुगर, और शुगर की क्वांटिटी आपको जैसे मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको बॉईल आने देंगे, इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल आने देंगे, और बस ये गाढ़ा हो चुका है, और इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप चाहें तो उसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पका लेंगे, और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अगर इसमें इसको आप ज़्यादा पकाएंगे तो थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी ये, तो बस इसको सर्व कर लेंगे। और हम इसको सर्व करते हैं मटर के पराठे के साथ, और ये कॉम्बिनेशन यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस तरीके से मटर के पराठे और क्विक एंड ईजी सेवई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो फिर बना लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए बनाते हैं मटर की खिचड़ी। ये भी बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है, तो इसके लिए ले लेंगे पहले, ये मैंने 1/2 kg इसमें ले लिया है राइस, और ये टुकड़ा बासमती राइस है। इसमें डबल क्वांटिटी में पानी, नमक और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। उसके बाद हमें इसको प्रेशर कुक करना है, तो 4 से 5 सीटियाँ लगा के इसको प्रेशर कुक कर देंगे, मतलब हमें चावल को पूरी तरीके से गला लेना है। और फिर इसके बाद ले लेंगे इसका, बना लेंगे मसाला। तो ले लेंगे 1-2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, ज़ीरा, काली मिर्च और तेज़पत्ता, और इसमें ऐड कर देंगे
4 टीस्पून हींग और ऐड कर देंगे एक बड़ा प्याज और इसको सौते करना है, मतलब हमें प्याज को गोल्डन कलर लाने तक इसको थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह सौते कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन कलर आता है तो फिर इसमें ऐड कर देंगे एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 10 से 15 सेकेंड के लिए इसी तरह सौते कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे एक टमाटर चॉप किया हुआ, ऐड कर देंगे आलू और ये ऑप्शनल है, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे मटर और ये थोड़ी सी मटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसमें 100 ग्राम मटर को मिक्सी में पीस लेंगे और हरी मिर्च और इसमें कोथमीर का पेस्ट ऐड कर देंगे और हल्दी ऐड कर देंगे एक टेबल स्पून। हरी मिर्च और कोथमीर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग हरी मिर्च और नमक ले सकते हैं, मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची ली थी इतने मटर में। और उसके बाद इसको पेस्ट बना के ऐड कर दें और अभी फिलहाल इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें ऑलरेडी पानी थोड़ा रिलीज होता है ये नमक ऐड करने के बाद। थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ा सी पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह एक ग्लास पानी ऐड करके इसको बॉईल कर लेंगे और जब थोड़ा ताकि मटर और जो आलू है गल जाने तक इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह बॉईल कर लेंगे ढक के। और उसके बाद इसमें जो हमने राइस को पकाया था बॉईल किया था इसको ऐड कर देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि मतलब ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि इसमें चावल है और ये पूरा मैश्ड है तो चावल नीचे से लगने का थोड़ा डर रहता है, तो इसीलिए इसको चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह 10 मिनट के लिए इसी तरह पका लेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। और इसी तरह चलाते हुए पकाते रहेंगे इसको और जैसे ये बॉईल आ जाता है इसमें तो बस ये रेडी है, क्विक एंड ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको सर्व कीजिए अपने पसंदीदा सैलड अचार के साथ और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से मटर की खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये मटर के सीज़न में अक्सर बनाई जाती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो अपनी इस रेसिपीज़ को ट्राई करके ज़रूर लवली फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपको कौन सी रेसिपीज दोनों में से ज़्यादा पसंद आई ज़रूर बताइएगा, मटर के पराठे और खिचड़ी जो हमने बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो फ्रेंड्स और थैंक्स फॉर ऑल योर लवली सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मे अल्लाह ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।